ये जनता से जुड़ा हुआ प्रधान प्रधान परिषद का जो चुनाव है, इसमें जितने भी वोटर्स हैं, मैं उन सब से अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और अपने गठबंधन के हर एक घटक दल की तरफ से ये विनम्र आग्रह करूँगा कि हमारे भाई अभिषेक झा जी को आने वाले दिनों में भारी मतों से विजयी बनाकर बिहार की विधान परिषद में भेजने का काम करें। उम्मीद ही नहीं, विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि इनको मैं व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छे से जानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये विधान परिषद सदस्य बनकर आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, आपसे जुड़े हुए विषयों को मजबूती से उठाकर आपकी हर संभव मदद करने का ये काम करेंगे। ये विश्वास मेरा इन पर है और यही विश्वास मैं आप सबको भी दिलाना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। एनडीए की ओर से जेडीयू कैंडिडेट अभिषेक झा हैं। उनके समर्थन में आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कहा है कि अभिषेक झा को LJPR का समर्थन प्राप्त है और लोगों से उन्होंने अपील किया है कि अभिषेक झा को वोट करें। हालांकि LJPR के ही बागी उम्मीदवार हैं राकेश रोशन, वो क्षेत्र में लोगों के बीच में ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान का उनको समर्थन प्राप्त है, लेकिन चिराग पासवान ने इन सब चीज़ों पर विराम लगा दिया है और कहा है कि अभिषेक झा को LJPR का समर्थन प्राप्त है। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि कुछ लोग लोकसभा चुनाव में भी भ्रम फैला रहे थे, अब जब विधान परिषद के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पर जनता इस बार जाने वाली नहीं है। जब 9 तारीख को परिणाम आएंगे, अभिषेक झा विधान परिषद के सदस्य बनेंगे और आप सबकी आवाज़ को उठाएंगे। क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का, सुनवाते हैं आप। चारों की चारों सीट एक तरफा रहेगा, एक सीट ये लोग नहीं जीत पाए, और तो और तीन तो आपकी अपनी थी, कम से कम उसको तो आप लोग बचा लेते, वो तक ये लोग नहीं कर पाए, तो दर्शाता है कि बिहार की जनता और बिहार की जनता ने ओवरऑल देश की जनता ने अब पुनः ये मन बना लिया है। कुछ राज्य जरूर थे लोकसभा के चुनाव के वक्त जो इनके झूठे नैरेटिव में आए, उन राज्यों में भी आज की तारीख में प्रदर्शन देखिए हम लोग। महाराष्ट्र उसका इतना खूबसूरत उदाहरण, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ महाराष्ट्र हरियाणा ये वो राज्य हैं जहां पर विपरीत परिस्थितियों में हमारे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो ऐसे में देश की जनता और खास तौर पर आज जब हम लोग बिहार में इस चुनाव का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, बिहार की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। ये जनता से जुड़ा हुआ प्रधान प्रधान परिषद का जो चुनाव है, इसमें जितने भी वोटर्स हैं, मैं उन सब से अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और अपने गठबंधन के हर एक घटक दल की तरफ से ये विनम्र आग्रह करूँगा कि हमारे भाई अभिषेक झा जी को आने वाले दिनों में भारी मतों से विजयी बनाकर बिहार की विधान परिषद में भेजने का काम करें। उम्मीद ही नहीं, विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि इनको मैं व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छे से जानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये विधान परिषद सदस्य बनकर आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, आपसे जुड़े हुए विषयों को मजबूती से उठाकर आपकी हर संभव मदद करने का ये काम करेंगे। ये विश्वास मेरा इन पर है और यही विश्वास मैं आप सबको भी दिलाना चाहता हूँ। अब इसके अलावा आपके कोई और सवाल? सर, ये मोहब्बत इजहार क्यों करना पड़ रहा है चिराग जी को भी, कल प्रचार कार्यक्रम मोहब्बत इजहार क्यों करना पड़ रहा है भाई, भाई मेरा एक सहयोगी दल होने के नाते, क्योंकि इसमें प्रचार का और कोई तरीका नहीं है, इसमें तरीका यही है कि आप सबके माध्यम से इस बात को, क्योंकि कई बार कई लोग भ्रम भी फैलाते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं हो कहीं पर किसी के भ्रम में कोई ना फंसे, इसीलिए और ये समर्थन है इनके प्रति, गठबंधन का समर्थन, पार्टी का समर्थन। आपके फोटो और बैनर सहयोगी रहे हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, एक आपके पहले पार्टी लगाया है, थोड़ी हिला कर चुके हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि आपका प्रेम उनके साथ। मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, आज मेरे साथ जो बैठे हैं अभिषेक, इसलिए मैंने कहा कि कोई अगर भ्रम की भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरा समर्थन, मेरा
पूरा समर्थन उनके साथ है और ये चुनाव जीत रहे, इसमें कहीं कोई संदेह। आपके तस्वीर और आपके बैनर का इस्तेमाल आपके निर्दलीय जो वहाँ उम्मीदवार खड़े हैं यानी आपकी पार्टी में जो इलेक्शन वो कर रहे हैं इस्तेमाल और कह रहे हैं कि हमको पूरा आशीर्वाद। नहीं तो अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जानकारी अगर अधिकृत तौर पर हमारे पास आती है तो जरूर उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये गलत है, बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी की सहमति के इस तरीके से तस्वीरों का, बैनर का, पार्टी के नाम का, पार्टी की सोच का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं है। जो ये करना वो गलत करना है। मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। और भैया अभी तो मतलब क्या आशीर्वाद क्या होता है भाई, अभी उस उम्र में नहीं पहुंचे, पूरा समर्थन इनके साथ है। छोटे भाई हैं, बड़ा भाई होने के नाते तो आशीर्वाद दे ही सकते हो, तो पूरा इनके साथ है। टेक्निकलिटी बिहाइंड मोहन भागवत जी ने जिस विषय का जिक्र करते हुए अपनी चिंता जताई वो फर्टिलिटी रेट का वो जिक्र कर रहे हैं, जो किसी भी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है वो फर्टिलिटी रेट 2.1 अगर मेरी जानकारी सही है तो ये होना चाहिए। पर आज की तारीख में वो 2.1 से गिरकर 1.91 के आसपास वो आया है। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। जब ये फर्टिलिटी रेट इससे कहीं ज्यादा था तब भी ये चिंता देश ने जाहिर की थी और उस वक्त जनसंख्या निरंतर किस तरीके से किया जाए इसको लेकर भी चर्चा हुई। हम दो, हमारे दो, ये तमाम बातों को लेकर उस वक्त भी चर्चा हुई। मैं मानता हूं कि ये विषय उन्होंने उठाया है, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। ये चिंता का विषय है जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं, मुझे लगता है इस पर एक गहन चिंतन मंथन के बाद निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये चिंता का विषय है आज की तारीख। चिराग जी, पूरे देश में देखा जा रहा है अजमेर शरीफ को या संबल जगह जो मस्जिद के नीचे जो बातें कही जा रही, प्यायल डाला जा रहा है, इस पर चिराग पासवान क्या कहता है? अजमेर शरीफ के बारे में कह दिया कि वहाँ पर शिव मंदिर है। देखिये, जहाँ जहाँ से ये जानकारी आ रही है आदेश उसी आधार पर ये दिए गए हैं जहाँ पे तथ्य सामने आते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर कोई झूठा भ्रम फैला रहा होगा इसको लेकर, जहाँ पर ऐसी हकीकत नहीं है उसके बावजूद भी, उसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जांच के आदेश बिना तथ्यों के कभी कोई भी न्यायालय के द्वारा नहीं दिए जाएंगे। इसको जरूर एक धर्म से जुड़ा हुआ विषय बनाने का प्रयास किया जाए, पर मैं मानता हूँ कि अगर किसी विषय में सच्चाई नहीं है तो इनको घबराने की जरूरत नहीं है, पर अगर सच्चाई है तो वो जरूर सामने भी आनी चाहिए। 91 में वर्सी पैक्ट पास है, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने ताजमहल में शिव मंदिर का दावा किया, भाजपा नेता क्या ताजमहल में शिव मंदिर का दावा किया? भाई जैसा मैंने कहा कि मैं ऑथराइज नहीं हूँ, मैं जांच एजेंसी नहीं हूँ, जो इन बातों को कह रहा है वो तथ्यों को सामने रखेगा, उसके आधार पर जो फैसले लिए जाते हैं उसी से ही चीजें आगे तो हो रही हैं। किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं होता है। जो एक व्यक्ति कह रहा है उसकी क्या सोच है, क्या मंशा, मैं उससे सहमत नहीं,